पिछले कुछ समय से पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामूहिकता की शक्ति से मजबूती से मुकाबला कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवकों द्वारा किए जाने वाले निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत इस भयानक संक्रमण को रोकने में सफल होता दिख रहा है। लेकिन गोवा पर इसका प्रभाव और भी गहरा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दोनों ने समस्या को जड़ से सुलझाने का निर्णय लिया। सबका टीकाकरण, आमका कोरोनाचेर मात करपाक वॅक्सिनेशनाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना, म्हणून गोंय सरकारान आनी केंद्र सरकारान वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात जानेवारी म्हयन्यातच दिवपाक सुरवात केली। मगर ये चुनौती सहज नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टीकों को जन सामान्य के लिए मुफ्त करने का निर्णय लिया। पूरे देश के साथ साथ गोवा ने भी 16 जनवरी 2021 को COVID-19 टीकाकरण का अभियान आरंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली और लक्ष्य निर्धारित किया, शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण गोवा के समस्त नागरिकों को टीका लगना ही चाहिए। सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा में समर्पित नागरिकों का टीकाकरण हुआ। आम जनता में सबसे पहले ध्यान रखा गया उन लोगों का जो पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इसके तुरंत बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक के लिए टीका सुविधा उपलब्ध कराई गई। 15 मई 2021 टीकाकरण 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मगर उसी दिन गोवा ताउते तूफान की चपेट में आ गया। लेकिन गोवा के लोगों ने घबराए बिना टीकाकरण जारी रखा और अपने साहस का अद्भुत परिचय दिया। जहां अधिकांश लोग स्वयं आकर टीका लगवा रहे थे, वहीं गोवा और दूर के क्षेत्रों में कई ऐसे असहाय लोग भी थे जिनके पास जाकर उन्हें टीके लगाए गए। शुरुआती तौर पर केवल 6 टीका केंद्र थे, लेकिन शीघ्र ही गोवा में कुल 40 टीका केंद्र खोल दिए गए। इतने प्रयासों के बाद भी लक्ष्य दूर था। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रेरणा स्रोत बने और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने टीका उत्सव आयोजित किया, जिनसे टीका अभियान को एक नई गति मिली। कई दिनों तक चलने वाले 5 टीकोत्सव पूरे गोवा में आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1386 शिविर लगे, जहां लगभग 8 लाख लोगों को पहले और दूसरे शॉट दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, विशेषज्ञों और समितियों की देखरेख में टीका अभियान नियोजित किया गया। गोवा सरकार और महान सेवा कर्मियों की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 11 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाकर पूरे गोवा को टीकाकृत कर दिया गया। इसके साथ ही गोवा टीके को क्षय न होने देने वाला अव्वल राज्य बना। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी और परिस्थिति को मात देकर गोवा सरकार और गोवा के लोगों ने मानव क्षमता का अद्भुत उदाहरण दिया है। अब गोवा लगातार सामान्य होते हालात को देख के कारोबार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिंद, जय गोवा।